Good morning everyone. So in today's class we are going to do the copy work. ठीक है, अभी तक हम लोग ने रीडिंग कम्प्लीट किया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेनेशन किया है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एनिमेटेड सब कुछ दिखाया था कि कीबोर्ड और माउस की क्या क्या फंक्शंस है, हाउ टू होल्ड देम, हाउ टू यूज देम. ठीक है, सो नाउ इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर क्लास वर्क कॉपी, पेंसिल, इरेजर, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. ठीक है, ऑल ऑफ यू रेडी? यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर इज योर कॉपी एवरी वन, लाइक दिस यू हैव टू राइट. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट राइट डाउन द हेडिंग लेसन 5, मोर अबाउट कीबोर्ड एंड माउस, एंड देन राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देन उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन यू कैन राइट लाइक दिस. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू सी दैट इन क्वेश्चन नंबर 2 द क्वेश्चन इज़ वेरी लेंदी, सो आई हैव कट शॉर्ट दैट. है ना, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है. राहुल वॉन्ट्स टू राइट हिज फुल नेम, एंड इसके आगे बहुत लेंदी क्वेश्चन है ना, और आपका आंसर भी इसका बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैम ने इसको कट शॉर्ट कर दिया है. आप इस तरह से डॉट 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 डाल करके आगे क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हो, लास्ट के 2 वर्ड्स और लिख दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. क्वेश्चन तो हमारे बुक में ऑलरेडी दिया है, इसलिए नो नीड टू मेंशन इट लाइक दिस. सो इफ़ यू राइट द क्वेश्चन लाइक दिस इट विल बी फाइन. ठीक है, देन यू कैन राइट डाउन द आंसर लाइक दिस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. आपको अलग अलग तरह के कीज़ बताने हैं जो कीबोर्ड में होते हैं. नॉट नेसेसरी कि आप सारे लिखो, आप कोई भी लिख सकते हो, 2, 3 और 4. ठीक है, सो अल्फ़ाबेट की, नंबर की एंड स्पेशल कीज़, हमने सिर्फ 3 कीज़ यहाँ पे मेंशन किए. ठीक है, तो 3 विल बी इनफ, अल्फ़ाबेट की, नंबर की एंड स्पेशल की. क्लियर एवरीवन? यस. नेक्स्ट इज राहुल वांट्स टू राइट द फुल नेम एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल रीड आउट फ्रॉम द बुक. सो द क्वेश्चन इज राहुल वांट्स टू राइट हिज फुल नेम, ही हैज़ प्रेस्ड द कीज़ बट ही इज़ नॉट हैप्पी. His name looks like this, Rahul Sethi. What do you think is wrong? वहाँ पे देखो Rahul Sethi लिखा हुआ है, आपके बुक में देखो ना क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें Rahul Sethi साथ में लिखा हुआ है. और हम Rahul Sethi कैसे लिखते हैं, अगर Rahul Sethi नहीं आप अपना नाम भी लिखते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी नाम हो आपका, आप अपने नाम और सरनेम के बीच में स्पेस देते हो कि नहीं, है ना. सो हियर इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो उसने ये मिस्टेक की है, तो अब हमें उसको करेक्ट करवाना है कि कैसे लिखना है. सो राहुल हैज़ नॉट गिवन द स्पेस बिटवीन हिज नेम, राहुल शुड पुट स्पेस बिटवीन हिज नेम एंड सरनेम, ही शुड प्रेस स्पेस बार. ठीक है, देर इज़ अ स्मॉल करेक्शन, यहाँ पे हमें कॉमा देना है. ठीक है, राहुल शुड पुट स्पेस बिटवीन हिज नेम एंड सरनेम, ही शुड प्रेस स्पेस बार. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. टू राइट हिज फुल नेम राहुल सेठी प्रॉपरली, राहुल विल प्रेस द कीज इन दिस ऑर्डर. उसको उसका नाम पूरा प्रॉपरली एक सीक्वेंस में लिखने के लिए उसे कौन कौन से कीज प्रेस करनी पड़ेगी. राहुल, राहुल में कौन कौन से कीज प्रेस करेंगे, अल्फाबेट कीज, तो R A H U L अल्फ़ाबेट कीज प्रेस करेंगे, देन स्पेस बार जगह छोड़ने के लिए, एंड देन सेठी S E T H I सेठी. सो ही इन दिस वे ही विल राइट डाउन हिज नेम. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज लिस्ट द फंक्शंस ऑफ अ माउस. आपको माउस के फंक्शंस बताने हैं. सो आपकी बुक में लिखा हुआ है देर आर सो मेनी फंक्शंस, सम आउट ऑफ दैट आर क्लिकिंग, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है, इस तरह से आपको पॉइंट्स डाल करके इसके एक एक फंक्शंस को लिस्ट डाउन करना है. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन एयर, योर क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इट लाइक दिस इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. योर कॉपी शुड बी नीट लाइक दिस. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट था, अब हम सेकेंड क्वेश्चन में ड्रॉ करने जा रहे हैं. ठीक है, so what you have to do is first you have to put the write down the question, draw different types of keys. आपको different types of keys बनानी है, तो पहले आप ये question लिखेंगे, then आप कोई भी keys बना सकते हो. मैम ने यहाँ पे जो keys बनाई वही compulsory आप बनाओ, ज़रूरी नहीं है. ठीक है,
So you can draw any of the keys from the lesson. ठीक है, स्पेस बार की बनाया मैम ने, एंटर की, देन बैक स्पेस की, देन शिफ्ट की, देन कर्जर की. लेकिन आप कोई भी कीज मैंशन कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द कीज, है ना. आप इसमें से कोई भी कीज बना सकते हो. जैसे आपकी बुक में हमारे पास दिया हुआ है सो मेनी कीज, लाइक पेज अप एंड डाउन, डिलीट की, कैप्स लॉक, फंक्शन कीज, शिफ्ट कीज, कर्जर कीज, देन अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक. आपको जो बनाना है आप वो बना सकते हो, बट मेक श्योर कि इट शुड बी नीट एंड क्लीन. इस तरह से थोड़ा स्पेस दे करके थोड़ा खाली खाली रहना चाहिए, एकदम कंजेस्टेड नहीं कि एक ही पेज में 5-6 कीज बना दिए, इट लुक्स वेरी बैड. ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा दूर दूर नीट क्लीन बनाना. डोंट फॉरगेट टू राइट द डेट ऑल्सो. ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव टू कम्प्लीट योर वर्क ऑफ लेसन 5 इन योर क्लास वर्क कॉपी. क्लियर एवरी वन? यस. सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर विथ यू ऑल. आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या करना है. पहले हमें ड्रॉ करना है कुछ डायग्राम्स, एंड देन उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स लिखने. ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. अभी आप लोग के पास सैटरडे संडे दो दिन है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हो, एंड देन वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज पार्ट इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ओके. सो दिस इज इट फॉर टुडे. गुड डे एवरीवन.